अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद अयाज रजा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी यूडो फोटोशॉप की 40 वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को फिल्टर कमांड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो कोई वॉलपेपर को ओपन कर लेते हैं हम। एक मैं इस वॉलपेपर को ओपन कर लेता हूँ एंड और एक इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फिल्टर कमांड में जो आज हम कमांड सीखेंगे वो है पिक्सल एड कमांड के बारे में सीखेंगे, रेंडर कमांड एंड शार्पिंग। तो पिक्सेलेट कमांड का इस्तेमाल हम किस समय करते हैं, इसमें जो पहली कमांड है वो है कलर हाफ टोन। इससे हम क्या करते हैं, हम इस पर जब ओके करेंगे तो हमारी तस्वीर जो है इस तरह हो जाएगी। ओके, सेकंड कमांड क्रिस्टलाइज। देखिए थर्ड कमांड फैसेट, हल्का सा इस पर फर्क पड़ेगा। फिर ये फ्रेगमेंट ब्लर सी हो चुकी है हमारी तस्वीर। ये डॉट्स आप अपनी तस्वीर के ऊपर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें डॉट्स भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, देखिए फाइन डॉट्स, मीडियन और ग्रेनी, इस तरह करके काफ़ी सारे इसमें हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये देखिए। ओके एंड ये देखिए, इस तरह करना चाहें तो ये जो ऑप्शन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास रेंडर कमांड है। रेंडर में पहला ऑप्शन 3D ट्रांसफॉर्म से ये जो कमांड है, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें ये तमाम टूल्स वगैरह मुझे कवर करने हैं। ओके, और काफ़ी अच्छी कमांड है, इसको मैं बाद में कवर करूँगा, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। इसमें सेकेंड जो कमांड है क्लाउड्स, तो यहाँ पे जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होगा उससे क्लाउड्स बन जाएंगे। ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ से कलर चेंज करूँ, लाइक मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करता हूँ, तो क्लाउड्स जो बनेंगे बैकग्राउंड कलर से बनेंगे। ये देखिए, ओके, तो काफ़ी अच्छी कमांड है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें कमांड्स है वो है डिफरेंस क्लाउड्स। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये वॉलपेपर बन चुका है। एंड लेंस फ्लेयर, ये कमांड तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ये देखिए ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको आप जिस तरफ चाहे मूव करना, जिस तरफ आप लाइट सी कोई चमक सी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए शाइनिंग से आ चुकी है, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, हम जिस तरफ भी चाहे इसको डालना अप्लाई करना कर सकते हैं। ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखाऊँ इस कमांड को, ये देखिए शाइनिंग सी आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये कमांड, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसका भी। लास्ट है लाइटिंग इफेक्ट, ये कमांड तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप जो भी काम करना चाहें इस कमांड से कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, इसको मैं इतना मूव करता हूँ, आप जिस पार्ट को देखना चाहें दिखाना चाहें, देखें जैसे अगर डिमांड है कि मुझे, देखिए मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा, सिर्फ ये तस्वीर देखूँ, उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक साइड हो जाए, ये पूरी साइड जो है ब्लैक हो जाए, ये वाइट हो जाए, तो इस कमांड से हम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेंडर कमांड है ये, इसको लाइट करना चाहें डार्क करना चाहें, ठीक है, ये अपने ऊपर सब डिपेंड करता है, काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से भी आप इसकी इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, फोकस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फोकस को आप देखिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त कमांड है ये, जिस तरह चाहें आप इसके इफेक्ट को कर सकते हैं।
मैं इसको मज़ीद ये देखें, लाइट डार्क, ये मटेरियल कमांड, एक्सपोजर और ये नेगेटिव। आप जहाँ से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये लाइट हो चुका है, ये हिस्सा इसका ज़्यादा वाइट हो रहा है लाइटिंग। ओके उसके बाद नेक्स्ट कमान हमारे पास शार्पन, इससे चमक आ जाती है। अब मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको इस तस्वीर पे, चमक आ गई। देखें ओरिजिनल इस तरह थी हमारी, अब ये ड्रेस को देखिएगा चमक सी आ रही है, तो ये इस कमांड से आएगी। ये देखें इससे ज़्यादा चमक हो जाएगी, शार्प हो जाएगी हमारी तस्वीर। और ये मोर है ये देखिए, अब मैं अगर इसको रिवर्ट करूँ तो ओरिजिनल तस्वीर हमारी इस तरह थी। और अनशार्प करूँगा तो ये देखिए, आप जिस तरह चाहें इसको शार्प कर सकते हैं अपनी तस्वीर को। देखें कितनी शार्प हो चुकी है तस्वीर, बहुत ज़बरदस्त कमांड है ये। ये देखिए सिंपल इसको ओके करूँगा तो ये देखिए ओरिजिनल तस्वीर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो F12 से देखिए, मैं आपको रिवर्ट करता हूँ तो रिवर्ट के बाद ये तस्वीर थी। और जब हमने इसको अप्लाई किया ये काफ़ी अच्छी टूल रही है। तो आज मैंने ये तीन कमांड्स आप लोगों को सिखाई है, एक्सीलेट, रेंडर और शार्पन। ओके अगर आप लोग मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।